हाँ जी मुझे अपनी दो बचपन और वो एक चोरी है और वो भी 3 साल। अच्छा, जब हम कॉलेज में पढ़ते होते थे ना, मैं और जेबा हाला जो होती थी ना, मैं और जेबा हाला और मेरी एक और दोस्त होती थी आयशा और एक मेरी दोस्त होती थी आसमा। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, बड़ा प्यारा नाम, आसमा बड़ा प्यारा नाम है। हाँ। अच्छा, तो जब हम पढ़ते थे ना जायना, तो वो ना बारिश जब होती थी ना, तो कॉलेज में इतनी ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, इतनी ज़्यादा गर्ल्स होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जब हम पढ़ते थे तो बारिश होती थी ना, तो लड़कियां नहाने के लिए चली जाती थी, पता है? हम लोग नहीं, उधर ही बहुत बड़ा ग्राउंड था, जैसे आप लोगों के स्कूल का बड़ा ग्राउंड है ना, ऐसे ही बहुत बड़ा ग्राउंड था उसका। हाँ, तो ना अब लड़कियां नहाने के लिए चला जाती थी और कहती थी हमें बहुत मजा आ रहा है। तो फिर मैं और जेबा हाला भी कभी कभी नहाई कर लेती थी, कभी कभी। फिर हमारे कपड़े गीले हो जाते थे, तो फिर जब छुट्टी होनी होती थी ना, तो फिर पता, कपड़े गीले हो जाए जब नहाई करें तो फिर स्मेल आती है, और दूसरे नंबर पर जब सर में वो बारिश का पानी जाए ना, सर भी गीला हो जाए और आपने पोनी की हो ना, तो आपके सर में आपको पता भुइयां भी आ जाती हैं। तो फिर मेरे सर में ऐसे भुइयां आ जाती थी, तो मैं कहती थी जेबा हाला को मैंने नहीं नहाना है अभी बारिश में, हम घर नहा लेंगे। तो फिर ना, लेकिन वहां पे लड़कियां बड़ा ज्यादा एंजॉय करती थी। आप लोग भी बारिश में? क्यों कभी नहीं, हम तो नहीं बारिश में एंजॉय करते। जब बारिश होती है ना तो हम ना वो स्कूल में ही रहते हैं ताकि हमारे कपड़े ना गीले हो। अच्छा, हाँ आपकी टीचर नहीं आपको जाने देती? नहीं, ताकि हमारे कपड़े ना गीले हो। अच्छा मामा, एक और अच्छा एक और बचपन की स्टोरी ये सुनाती हूँ कि मैं जब छोटी सी होती थी ना, तो ना मेरे अम्मी अब्बू की ना शादी की सालगिरह थी। हाँ, जो शादी, जब शादी होती है ना, तो उसकी डेट की भी सालगिरह मनाते हैं ना, उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। हाँ जैसे बाबा और हाँ हम हाँ हम लोगों की भी बनी थी, तो वो एनिवर्सरी थी। तो मैं छोटी सी थी, मैं जुहेर जीती थी और परी हाला जो है वो मेरे से 3 साल छोटी थी, और गुगु मामू जो है वो मेरे से 1 साल छोटे थे। हम छोटे छोटे इतने प्यारे क्यूट से लग रहे थे। तो फिर जो जेबा हाला की मामा है ना, वो मेरी अम्मी की दोस्त भी है ना, तो उन्होंने उनको भी बुलाया, फिर जेबा हाला भी आई। तो हमारी इतनी प्यारी सी क्यूट सी पिक्चर है, मुझे जो बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा सुना रही हूँ, तो ना मेरी बात सुने। तो हम लोगों ने तब बड़ा मजा किया, पता क्या क्या मंगवाया था? बोतलें थी, केक था, बिस्किट थे, और घर का बना हुआ खाना था, और अम्मी और अब्बू को इतने ज्यादा गिफ्ट्स मिले थे। मामा, हाँ, और आपका ब्लेज भी कटी थी। तब लेस नहीं थे होते जाए ना, अब दूसरी चिप्स जो घर की बनी हुई चिप्स नहीं है वो होती थी ना तब, तब सलांटी भी नहीं थी होती। ये तो अभी आई है ना, जब आप लोग पैदा हो गए हो ना, आप लोगों से कुछ देर पहले आई है ना, करो। अच्छा, तो ना हम लोगों ने, मैंने और जेबा खाला ने, तब भी हमने इतना मजा किया। मैं ना नानों के घर वो पिक्चर है, आपको किसी दिन वो पिक्चर दिखाऊंगी। तो मैं और जेबा खाला तब छोटी छोटी थी, हम छोटी छोटी जैसे आप और रमहानी फ्रेंड हो ना, ऐसे हम लोग बचपन की फ्रेंड है, पता है आपको? फिर आगे, हाँ आप तो, आपकी ईशन के साथ भी फ्रेंडशिप है ना, तो फिर ऐसे फ्रेंडशिप। फिर मैं और जेबा हाला जो है वो लैदा लैदा हो गई, पढ़ना शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में गए, फिर हम इकट्ठे हो गए है ना। हाँ, फिर जेबा हाला और मैं जो है ना, हम लोग फिर इकट्ठे हो गए, फिर हमने इतनी ज़्यादा स्टडी की। तो हमने फिर इकट्ठा पढ़ा, फिर हम लोग कभी कभी अपनी दोस्तों के घर इकट्ठी जाती थी, हम लोग दोस्तों के घर जाती भी थी। अभी भी हम जब हाजी हुआ था ना, मैं जेरी को लेके गई थी ना जेबा हाला के साथ, आप हाला के पास, परी हाला के पास, जैनी हाला के पास रह रही थी। तो फिर मैं तब भी गई थी अपनी दोस्त के घर, वो आयशा हाला जो है ना, वो इधर लाहौर रहती। इतने बच्चे तो नहीं ना लेके, अगर मैं आपको भी लेके जाती तो फिर रमानी ने कहना था पप्पू हमें नहीं लेके गई, तो फिर मैं इतने बच्चों को तो नीचे ना लेके जा सकती। जेबा हाला भी ना सिर्फ, वैसे भी अगर मैं उनको घर छोड़ देती तो उनसे मजा भी नहीं आता था। हाँ, तो जेबा हाला भी सिर्फ इशल को लेके गई थी, वो अपने बेटे को तो नहीं थी लेके गई। तो मैं सिर्फ जुहेर को ले गई थी, बेटा कहाँ था? वो अपनी नानों के घर उन्होंने छोड़ा था। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि हर जगह तो नहीं, नानों के घर को
हम गए तो थे, हम गए तो थे, उसकी नानो रहती है और उसके मामू हैं, जवाद मामू। उसकी भी हाला की शादी हो गई है ना, दो हाला हैं उसकी भी। किसके? ईशन के फ्रेंड्स तो नहीं थे वहाँ पे, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े थे। तो हाँ, ईशल वहाँ पे खेलती रही थी। उसने अपनी मामा को जरा तंग नहीं था किया, जिस तरह आप तंग करती है ना, मामा मुझे ये लेके दे, मामा मुझे वो लेके दे। और सुनाए एक और बात। एक और बात सुनाए। हाँ। अच्छा तो ना फिर क्या हुआ? हाँ। मैं अब आपको एक और बात सुनाती हूँ कि ना एक दिन हम लोग ना वो गए उधर, कहाँ गए, मैं बहुत छोटी सी होती थी तो हम लोग ट्रिप पे गए, हमें ना इधर लाहौर में लेके आए थे स्कूल। हाँ, स्कूल ट्रिप पे। हाँ। और तब ना अब्बू गाड़ी चलाते थे, अब्बू के पास बड़ी गाड़ी थी। हम हाँ, मैं अब्बू के साथ आई थी, तब मेरी क्लास फेलो भी थे इतने ज़्यादा, मेरी मेरी टीचर्स की थी। हाँ। और इसके अलावा जो आंटी रानो नहीं है, आंटी रानो वो तब टीचर थी ना उसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी ना, तो फिर आंटी रानो भी आई थी, इतनी ज़्यादा टीचर्स भी आई थी, हमारी प्रिंसिपल भी आई थी। लेकिन मैं छोटी सी थी, मुझे बस ये याद है कि मैं अब्बू के साथ आई थी तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैं थी, मेरी इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स थी, मेरे क्लास फेलो थे, मेरी अपनी टीचर्स थी, तो आंटी रानो थी, अब्बू थे, तो मेरे ख्याल में गोगो मामू भी थे शायद। तो इतनी बड़ी बस थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, 50 इतने आते होंगे, वैसी बस थी। 100 जैसे आपको याद नहीं, हम लोग कराची गए थे परी हाला के वो शादी पे, हम लोग बड़ी बस में गए थे। हाँ जी, वहाँ का जो स्कूल है ना वो पास ही है मेरे ख्याल में, मैंने देखा तो नहीं है। वो कह रहा था वो मेरे स्कूल है पास ही, आपको नजर नहीं आ रहा? मैंने नहीं देखा। आपको नहीं आ रही? हमारे घर में एक स्टोरी सुनाई बचपन से, नहीं प्रिंसेस वाली। एक ना प्रिंसेस होती है। हाँ। वो ना अपनी मामा से ना, अपनी मामा को कहती है, मामा आप ना मेरे कान भी साफ किया करें, और मेरे ये देखो अभी मैं आपके कान साफ करती हूँ, जो ना इतनी मेहनत करी है। हाँ हाँ बता रही हूँ। वो कहती है मामा मेरे कान साफ किया करें, मेरी टीचर ना नेल्स भी चेक करती हैं और कान भी चेक करती हैं, तो अगर आप मेरे कान नहीं ना साफ करेंगी मामा तो मेरी टीचर्स क्या कहेंगी? उसकी मामा कहती हैं हाँ ये बात तो है, तो मैं आपके ना कान जो है ना वो लाजमी साफ करूँगी, बल्कि आपने मुझे याद कराना है। तो इसी तरह आपने भी, ये देखो आपके कान में से क्या मैन निकली है काली गंदी। और मैं एक कान से मुझे याद आया, मेरी एक ना कज़न है, वो बाना मुनी है जो उनकी सिस्टर है, वो अपने कान नहीं थी साफ करती, हर वक्त ना कान साफ करवाती नहीं थी वो। तो ना एक दिन क्या हुआ, उनको ना उनको फील हो गया उनके कान में से ना गंदी गंदी वो कोई चीज़ है जो गीली गीली है। तो उन्होंने ना फिर कहा कि अपनी अम्मी को या अपनी सिस्टर को कहा कि मेरे ना कान साफ़ कर दें। जब कान साफ किया, उनकी कान के अंदर से इतना गंदा गंदा एक मादा निकला जिसमें से इतनी स्मेल आ रही थी। और वो पता क्यों आ रही थी? इस वजह से आ रही थी क्योंकि वो कान नहीं थी साफ़ कराती, गंदी रहती थी। तो फिर उनकी मामा ने कहा, मेरी जो पप्पू है ना उन्होंने कहा कि गंदी कान साफ कराया करो, अगर कान साफ कराती ना तो ये गंदा गंदा जो मवाद है ना ये आपके कान में से ना निकलता। कहती है अच्छा मामा क्या हो गया है? मम्मा ज्यादा दूर ना जा। अच्छा ये देखो कितनी मेहनत है, उस कान में से कम निकली है। चलें जी।